चौथा ओवर लेकर आते हुए अभी भी 12 रन की आवश्यकता। और इस बार हवा में है गेंद और इस बार क्या पकड़ेंगे, चलिए विकेट के राइट कोने। बारह रन की आवश्यकता और एक विकेट गिरता हुआ बीडीडी क्रिकेट टीम का, इस बार बड़ी मछली को जाल में फंसाया। इम्तियाज जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में अच्छी काम की थी, विकेट की आवश्यकता रहेगी यहां पे मणिजंगा क्रिकेट टीम को, सिर्फ 12 रन की आवश्यकता। और इस बार उठा के खेला है, इस बार विकेट मिल सकता है। अगली गेंद, दो गेंदों पर दो विकेट, बैक टू बैक विकेट मिला है यहां पे गेंदबाज को। नए बल्लेबाज के तौर पर उतरते हुए बल्लेबाज, 12 रन की आवश्यकता विरीडी क्रिकेट टीम को। अगली गेंद देखते हैं क्या हार्दिक ले पाएंगे। अच्छी गेंद, बहुत ही करीबी मामला, रन आउट का चांस है लेकिन मिस किया, सही समय पर पहुंच गए इसीलिए तो जीवित है। अगली गेंद कहां पे डालेंगे, क्या शॉर्ट ऑफ लेंथ या फिर आगे की तरफ, देखते हैं। आगे निकले कदम का इस्तेमाल किया और एक डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक का मणिजंगा क्रिकेट टीम का, गेंदबाज उनका ताकत रही है हमेशा से और उसी के साथ लड़ाई करते हुए। देखिए मेरे गांव से बॉस भी आ चुका है, पहला बॉस चला और यहाँ पे जो बॉस है शायद वो गिरिडीह क्रिकेट टीम के साथ। इस बार भी हल्की सी नीचे, अच्छी गेंदबाजी, वाइड का आवेदन लेकिन मिलेगा नहीं। अभी भी 12 की खोज पे बीडीडी क्रिकेट टीम, लपी तुली गेंदबाजी करते हुए माप चूक के साथ, अच्छी मिश्रण, चतुराई वाला मिश्रण दिखाते हुए स्विंगिंग डिलीवरी और एक बेहतरीन ओवर का समाप्ति। बारहवीं बॉल ने 12 रन आवश्यकता, मेडन ओवर खिलाड़ा आशीष। यार इस बार क्लिक कर दिया है सीधा हाथ पे बंदा के हाथ को, मणिजंगा क्रिकेट टीम आज को ज्यादा गिरादा से आया था यहाँ पे, जब तक आखिरी गेंद डाला नहीं जाता तब तक शायद हार नहीं मानेंगे। जब आप मान लेते हैं तो फिर हार मिलता है, जब आप ठान लेते हैं तो फिर जीत मिलता है। शॉर्ट बॉल डालिए, विकेट निकालिए, 11 गेंदे 12 रन और एक हाई वोल्टेज मुकाबला। और वन से फ्लिक, और फ्लिक के साथ तस्लीम। चलिए आपसे 5 रन की दूरी पे बीडीडी क्रिकेट टीम, 6 रन। अभी भी 6 रन की आवश्यकता, कौन जीतेगा मुकाबला को। और इसी के साथ चौका या फिर अच्छी फील्डिंग वहां पे, जी बिल्कुल, जयपुर की इस महासंग्राम पे ये दो टीम आमने सामने, 36 का आंकड़ा इनके अंदर, प्रतिद्वंदी टीम के साथ साथ यहाँ पे लड़ाई करने के लिए ये दो टीम उतरा था। शायद इस समय आगे है गिरिडीह क्रिकेट टीम, विभू का धुरंधर। और इस बार घुमा के मारने की कोशिश और एक डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक आशीष का, मानना पड़ेगा। क्या डॉट डिलीवरी डाल पाएंगे, क्या विकेट निकाल पाएंगे, तस्लीफ है सामने पे और एक डॉट डिलीवरी। चलिए अभी भी मुकाबला जीवित है और एक बार बोलूंगा कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, क्या कर पाएंगे तस्लीमों का। नो बॉल, सही समय पे नो बॉल आया जिसके वजह से मिलेगा फ्री हिट, अब तो चाहिए 5। नो बॉल फ्री हिट जो जाएगा तस्लीम के हिट पे, उठाइए इसका फायदा।
कोई आउट नहीं सिवाय रन आउट। हाथ खुलने का सुनहरा मौका, इसको ना छोड़े तो बेहतर। नो बॉल, छक्का लगा के आपके भी मैच को खत्म करेंगे। शायद एक यादगार मुकाबला रहेगा वीरेडी क्रिकेट टीम के लिए। और इसी के साथ साइड सिंगल, रन आउट का चांस। जी नहीं, और इस सिंगल के चलते अब आपकी ओवर पे चाहिए चार रन, छह गेंदे चार रन। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। और जब जयपुर का पिक्चर लगा था तो फिर ये पिक्चर हुआ है सुपर हिट। जी नहीं 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 नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर। एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला हुआ, एक पैसा असूल वाला मुकाबला। छह गेंदे चार रन, मैं आपको बता दूं, कमांडो 11 की गेंद पर छह गेंदों पे आठ रन। सलमपुर के नाइट मैच में डिफेंड किया था नसीर मलिंगा, श्रीलंका क्रिकेट टीम, उन्होंने भी किया था कमाल, चार गेंदों पर चार विकेट चटका के। अब देखते हैं क्या जसप्रीत बुमराह बन पाएंगे या फिर तस्लीम बनेंगे विराट कोहली। मैच विनिंग शॉट क्या तस्लीम के बल्ले से या फिर विनिंग गेंद डालेंगे गेंदबाज का नाम पपुनी। मणिजलना क्रिकेट टीम सटीक ठिकाने पर गेंदबाजी कीजिए। छह गेंदे चार रन और एक हाई वोल्टेज मैच। आखिरी ओवर पहली गेंद, पहली गेंद, और इसके साथ जीत लिया है वीरेडी क्रिकेट टीम ने। जीत ये हो गई, हुंकार है, हुंकार है वीरेडी क्रिकेट टीम ने किया कमाल। और इस मुकाबले को जीत के पहला युवराज क्रिकेट टूर्नामेंट का बन गया है चैंपियन। ये दो रही है, दो रही है, इस टीम का सरमर भी रही है। चाहते होते टीमों इंतेकार और नहीं चार तस्लीम, और जब वहां पे स्लीपर पर जीत के मिलता है, जी हाँ, जीत के बिल्कुल बजाई गई वीरेडी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने। ना ये सवाल समझते हैं, ना जवाब समझते हैं, ना ये सवाल समझते हैं, ना जवाब समझते हैं। यहाँ पे जितने दर्शक आए थे शायद वीरेडी क्रिकेट टीम को क्रिकेट का नवाब समझते हैं। वो रिटर्न वीरेडी क्रिकेट टीम हर फोन पे वो उबाल, जब तक जवानी है वीरेडी क्रिकेट टीम तुम्हारी इसी अंदाज पे पूरा जयपुर के दर्शक दीवानी है। अपनी बार पहली बार चैंपियन बन गया है वीरेडी क्रिकेट टीम। आप लोगों से गुजारिश रहेगा, प्लीज आप यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां पे आप सर्च कीजिए क्रिकेट वाणी को और वहां पे मिलेगा इस तरीके की मुकाबला का रोमांच। अब आते हैं हम पोस्ट मैच के।